के पास खोने को जंजीरों के सिवा कुछ नहीं, मगर जीतने को है समूची दुनिया। अतः अनिवार्य है कि दुनिया सभी किसान मजदूर कार्यकर्ता एकजुट हो। तो कहिए किसान मैं ईशा, मैं इंद्र, मैं सुम्बुल और मैं सचिन। और आज हम आए हैं आपके समक्ष द पार्टिकल कलेक्टिव की तरफ से पेश करने एक छोटा सा नाटक जिसका नाम है दारा दारा इंकला। जुल्म का साया कब जाएगा जनता मांगे जवाब, जुल्म का साया कब जाएगा जनता मांगे जवाब, जुल्म का साया तब जाएगा मांगेंगे जब हिसाब, जुल्म का साया तब जाएगा मांगेंगे जब हिसाब, जब कड़ कड़ का मोल होगा होगा दारा दारा इंकला। हमसे कोई भूल चूक हो तो गुस्ताखी ना। हालांकि समझ लीजिए कि नाटक में दर्शाए गए सभी पात्र, सुनाई गई सभी घटनाएं और चुटकुले काल्पनिक हैं। इनका किसी भी तरह की वास्तविकता रैली और अमन यात्रा में कही गई बातें, हाल ही में दिए गए प्रेस स्टेटमेंट, सांप्रदायिक दंगे और विरोध प्रदर्शन, कत्लेआम या हकीकत में हुई हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, सियासतबाजी, जुमलेबाजी, जालसाजी, गुंडागर्दी, नौकाबंदी, बंदूकशाही, तानाशाही से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है भाई।
अच्छा, इस दाना दाना इंकलाब में कुछ दाने अपने हैं और कुछ उधार से लिए हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हमसे पहले कई कवि, कई नज्मकार अपने दाने रूपी अल्फाज दुनिया में बिखेर गए, और कुछ कवि, कुछ नज्मकार आज भी समाज का हिस्सा होकर समाज को आईना दिखा रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। इनमें शामिल हैं फैज अहमद फैज, साहिल लुधियानवी, कार्ल मार्क्स, WH ऑस्टिन, पीरजादा गुलाम अहमद महजूर, हबीब जालिब, शंकर शैलेंद्र, सभी ढाका, आमिर अजीज, नबिया खान, राजेश जोशी, मनोज मुंतसर, स्वाति चक्रवर्ती, लोक मित्र गौतम, गोदावर, अभिमन्यु एवं पूजन साहिल, किसी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा इन सब में से। खैर, तो इन सभी को हमारा सुर्ख सलाम और मोहब्बत, शत शत नमन। अरे भैया हम क्या समझे, हम हैं नाटक वाले, किसे कहानियां सुनाते हैं, हमें तो बस यही आता है भैया। देशभक्ति की चक्की चली, दाना दाना पिस गया, देशभक्ति का मजमा AMU गया, JNU गया, जामिया गया, DU गया और टिस भी गया। और जनाब, अगर इसे जल्द ही रोका ना गया तो जहाँ जल्द नहीं पहुँचा वहाँ भी जल्द चला जाएगा। और आप और हम जैसे हर एक इंकलाबी को केसरी तेल में तला जाएगा। अरे बाप रे बाप, सुना है वो कहते हैं कि मार डालो, काट डालो, जला डालो कायरों को, इन विद्यार्थियों, कलाकारों, साहित्यकारों, शायरों को। अरे तोबा, हमें भी, और नहीं तो क्या। अबे हम कौन से आसमान से टक्के हैं वे, मार डालो, जला डालो, काट डालो कायरों को, इन विद्यार्थियों, कलाकारों, साहित्यकारों, शायरों को, क्योंकि यही है जो अपने लफ्जों से देश को बदनाम करते हैं। देशभक्त तो बस देश के नाम कत्लेआम करते हैं। अरे पिछले ही रोज की बात है कि मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो भेलपुरी खा रही थी, हाँ रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, लड़का घुमा रही थी, अचानक मुझे कुछ कुंडों ने घेर लिया और धमकाने लगे। देखो बहुत हो गए ये लोकतंत्र, ये आजाद ख्यालों के नाटक, चाहे तो सरहद पार चले जाओ, यहाँ खुलेंगे हिंदू राष्ट्र के फाटक, देश देश भक्तों का है, सर छुपा के रहो, रहम दिखाएंगे। और एक और बात कान खोल के सुन लो, मंदिर वही बनाएंगे। अरे फिर क्या, देशभक्ति की चक्की चली, दाना दाना पिस गया। अरे आप और हम ही पिस जाते तो भी क्या गम था मेरे यार, या तो सारा का सारा हिंदुस्तान पिस गया। इस पिसे हुए हिंदुस्तान के मसले को अब कैसे हल करना है बाजी, इन्होंने तो देशभक्ति के मायने ही बदल दिए। हाँ ये तो सरासर पागलपन है, पागलपन ही समझ लीजिए। अच्छा वैसे पागलपन से याद आया, जो चारण नहीं
जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा जो नहीं उठाए, जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। खामोशी असुविधाजनक महसूस करने की आलस्य से खामोशी, परिणाम के डर से खामोशी, बहिष्कार कर दिए जाने के खौफ से खामोशी। खामोशी जो है जुल्म करने वाले की तरफदारी करना है तो बोल, अरे बोल, अरे बोल, 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 बोल के आवाज आज है तेरे, बोल जवाब तक तेरी है, बोल के आवाज आज है तेरे, बोल जवाब तक तेरी है, तेरा सुखवा जिसम है तेरा, बोल के जवाब तक तेरी है, बोल के आवाज आज है तेरे, बोल जवाब तक तेरी है, बोल के आवाज आज है तेरे, बोल जवाब तक तेरी है। बोलिए पसंद आ रहा है ना आप लोगों को? ठेस पहुंचा के कहते हैं, ओहो
लग गया है। रोजगार छीन कर कहते हैं, जाने दीजिए, बेकार है। ट्रांस बिल लाकर पूरी क्वीयर कम्युनिटी का बहिष्कार करते हैं, फिर खुद ही कहते हैं बेचारे लाचार। पढ़ाई को प्राइवेटाइज करके कहते हैं, अजी छोड़िए ये तो गवार है। फिर क्रोनोलॉजी समझाते हैं, भक्तों की सेना खड़ी करके कहते हैं, देखिए अवाम हमारे साथ है। अब आप ही बताइए, ये भी कोई सरकार है? खुद को चौकीदार बताते हैं, अगर असल में चोरों की भरमार है। मजाक उड़ाना चाहते हो, है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम ऐसा थोड़ी करेंगे। आप लोग गोपी जी से चलते हो क्योंकि गोपी जी जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। अच्छा, अरे ऐसा कौन सा काम कर दिया तुम्हारे गोपी जी ने जो इतने सारे लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है भाई? गोपी जी ने रात को डिमोनाइजेशन करके सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए डलवा दिए। कुछ सोच समझ के किया होगा ना? आप लोगों को मिल गए 15 लाख? वो सब छोड़ो, गोपी जी ने चार घंटे के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दिया। कुछ सोच समझ के किया होगा ना? क्राउड बैंक का बेनिफिट। समझ रहे हैं, आगे बोलिए। आरटीआई का रूल लगवा दिया, गोपी जी ने 370 हटाया। भाई कुछ सोच समझ के ही हटाया होगा। गोपी जी ने GST लगवाई। हाँ भाई, कुछ सोच समझ के ही लगवाई होगी। आरटीआई के रूल्स बदल दिए, संगना पनौत को रेड प्लस सिक्योरिटी लगवाई। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी का मौका दिया। बिहार में COVID-19 की फ्री वैक्सीन का वादा किया। जबरदस्ती किसान बिल पास किया। किसानों की मांगों को अनदेखा किया। वो सुप्रीम कोर्ट से बिलों पे स्टे तो लगवाया है, मगर कमिटी बना के कमिटी में अपने ही लोग बिठा दिए। एक मेरे पास दिया। हाँ, गोभी जी ने देश डुबाया।
पिछले साल सरकार ने एनपीआर एनआरसी सीएए का जुमला चलाया था और ये फिर से तीन नए बिल ले आई। हाँ, मैं भी कब से सुन रहा हूँ एमएसपी। ये एमएसपी कौन से खेत की मूली है? और दीदी, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि वो दाम जिससे कम में फसल बिक ही नहीं सकती, अब चाहे सरकार खरीदे या अंबानी संबानी नाना नानी। और यूं कोई नई बात ना है। अच्छा, सबसे पहली बार एमएसपी 66 में लाया गया था और तब से लेकर आज तक लाया ही जा रहा है। बताओ बड़े भाई, इब एमएसपी पर बात क्यों हो रही है? और सरकार जो एनपीआर एनआरसी सीएए के नशे में चूर थी, देश के आधे नागरिकों से नागरिकता छीनने पर श्योर थी, कोरोना ने वो सारा नशा पूरी तरह उतार दिया। लेकिन सरकार चुप थोड़ी बैठे, सोचा कि कोरोना की आड़ में नाना नानी, मेरा मतलब बाजारी ताकतों का हैप्पी न्यू ईयर कर दे। नाना नानी का हैप्पी न्यू ईयर कर दे दादा, वो कैसे? ऐसे कि सरकार ने नया कानून बनाया और बोला मंडियां बंद, अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकता है। लेकिन किस दाम पे बेचेंगे ये नहीं बताया सरकार ने। मतलब दाल में कुछ काला है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। अरे बात अब दाल चावल की काल है गई या तो रोटी भी काली है? रोटी भी काली है। वो कैसे? और वो ऐसे कि सरकार ने कह दिया कि खाद्य फसल, अरे मेरा मतलब अनाज आलू प्याज तेल इत्यादि भाई एसेंशियल कमोडिटीज, अरे बाबा आवश्यक वस्तु है ही नहीं। अब किसी के भी जमाखोर नाना नानी का मन किया तो सारा का सारा अनाज खरीद के बैठ जाएंगे। मतलब ना अब आवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी पर रोक लगाने की जरूरत है और ना ही इनके लिए एमएसपी देने की। वैसे सरकार कह रही है कि वो एमएसपी के सिस्टम को हटाएंगे नहीं। लेकिन इसको लिखित में भी नहीं देंगे। इसका मतलब बड़े भाई, काली रोटी काली दाल, जाते बैठो खाली दाल, इसी से तो भागी था कोरोना। अच्छा अच्छा, बंद करो ये रोना धोना, अब तो हड़ताल सही है कुछ होना। जब सितम के कोने तारा रूही की तरह उड़ जाएंगे हम महबूब, हम देखेंगे अपनी काली करतूतों पर, जब ये सरकार शर्माएगी हक मांगने वालों को, जिस दिन सूलिया दिखाई जाएगी किसानों
वापस जा रात झेलेंगे काली रातें।
करते ऐलान है और सुनेंगे सुनने में आया है कि 2004 में जवानों की पेंशन बंद कर दी बताओ देशभक्ति का भी कोई सिला नहीं मिला इन्हीं के नाम पे नोटबंदी कर रहे थे और इन्हीं की नोटबंदी कर दी है तो गाने का नाम है बेखौफ दीवाने ऊंची है गलिया है तंग लंबी डगर है पर हिम्मत है संग पर हिम्मत है तन पाओ बिठा ले सांसे बुलंद चली हुआ दादी की जंग रीति की जंजीर खा गई है जंग न्याय के मंदिर भी हो गए भंग जमाना चले ना चले गाना और सुनना चाहेंगे हाँ एक गाना पंजाबी में भी है हमारे पास पर उससे पहले एक और गाना लास्ट में पंजाबी वाला गाना खा के खत्म करेंगे ठीक है Bye.
टिकट अच्छी लगी और पैसा वसूल पर...